Let me share my screen. Okay, so we have already covered the first five chapters of your textbook, और आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर सिक्स स्टार्ट करेंगे, विच इज़ अबाउट सैम्पलिंग एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन. सो अ क्विक रिकैप, अगर हम अभी तक कंटेंट डिस्कस करें, सो हमने चैप्टर नंबर वन में डिस्कस किया था एज एन इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसके अंदर हमने एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डिस्कस किया था, और हमने कहा था कि इस कोर्स के अंदर हम एनालॉग कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे इन डिटेल, और डिजिटल कम्युनिकेशन जो है दैट विल बी डिस्कस्ड इन योर फ्यूचर जो कोर्सेज आप पढ़ेंगे. फिर हमने चैप्टर नंबर टू के अंदर वी टॉक्ड अबाउट सिग्नल्स एंड सिग्नल स्पेस. बेसिकली दिस चैप्टर वॉज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल, जिसके अंदर हमने बात की थी कि सिग्नल किस किस्म के हो सकते हैं, उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, और किस तरह हम एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जिसमें हमने मुख्तलिफ किस्म की क्लासिफिकेशन देखी थी, एनर्जी, पावर, उसके अलावा पीरियोडिक, ए पीरियोडिक, डिटर्मिनिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक, इस तरह के हमने काफ़ी हमने एग्जाम्पल्स देखी थी मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन की. उसके अलावा हमने सिग्नल स्पेस के अंदर हमने देखा था कि हाउ वी कैन एक्चुअली डिफाइन वन सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इट्स ऑर्थोगोनल कॉम्पोनेंट्स, और साथ हमने ये भी देखा था कि मुख्तलिफ अदर करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, जहाँ पे हमने कुछ टूल्स डिस्कस किए थे विच वर मेनली द कोरिलेशन, जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर सकते थे. फिर हमने बारह ये सारी डिस्कशन करने के बाद देन वी स्टार्टेड ऑफ विद चैप्टर नंबर थ्री, विच वॉज बेसिकली अबाउट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास जितने भी पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं उसके अंदर हम फोरियर सीरीज को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू एनालाइज द सिग्नल, लेकिन जो हमारे रियल वर्ल्ड सिग्नल्स हैं दे आर मोस्टली ए पीरियोडिक. सो फॉर दैट रीज़न हमें एक टूल चाहिए, क्योंकि हम फोरियर सीरीज को ए पीरियोडिक सिग्नल्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते. वी नीड टू हैव अ टूल जिससे हम ए पीरियोडिक सिग्नल, जो कि हमारे रियल वर्ल्ड सिग्नल्स हैं, उनको हम एनालाइज कर सकें. तो उसके लिए हमने जो टूल देखा था दैट वॉज द फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसके अंदर हमने फिर कुछ फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज देखी थी, एंड वी सेड कि वी आर नॉट गोइंग टू एक्चुअली गोइंग टू फाइंड आउट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल्स, बट वी आर गोइंग टू अप्लाई द प्रॉपर्टीज एंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली यूजिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म टेबल. तो वंस वी गॉट होल्ड ऑफ दिस फोरियर ट्रांसफॉर्म टूल, तो हमने इसके बाद दो जो मेन हमारे एनालॉग कम्युनिकेशन की टेक्निक्स हैं दैट आर नंबर फोर में हमने डिस्कस किया था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और चैप्टर नंबर फाइव में हमने एंगल मॉड्यूलेशन, इसको मैं ईएम कह देता हूँ, को हमने डिस्कस किया था. और फिर एनालॉग मॉड्यूलेशन के अंदर, सॉरी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर हमने इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था डीएसबी एससी के साथ, और हमने कहा था जो डीएसबी एससी इसके अंदर प्रॉब्लम आता है कैरियर, चूंकि हम ट्रांसमिट नहीं कर रहे अलॉन्ग विद द मैसेज सिग्नल, तो हमें कोहेरेंट डिटेक्शन की जरूरत पड़ती है, और उस कोहेरेंट डिटेक्शन के अंदर अगर आपके पास कैरियर मिसमैच हो जाए तो यू आर अनएबल टू रिकवर द सिग्नल करेक्टली. तो उसके लिए हमने फिर एक दूसरा वेरिएंट देखा था विच वॉज डी एस बी एस सी, जिसको हम फुल ए एम भी कहते हैं, जिसके अंदर हम कैरियर को ट्रांसमिट कर रहे थे अलॉन्ग विद द मैसेज सिग्नल, एंड इसके अंदर जो हमारी एक स्पेसिफिक कंडीशन थी दैट ए प्लस एम टी इज ग्रेटर देन जीरो, वो कंडीशन फुलफिल होने पर हम सिंपल इनवेलप डिटेक्शन से भी उसको उस सिग्नल को डीमॉड्यूलेट कर सकते थे. फिर हमने ये बात की थी कि ये जो दोनों स्कीम्स हैं ये हमारे पास बैंडविथ इनएफिशिएंट हैं, क्योंकि एक बी सिग्नल जो है दैट रिक्वायर्स 2B ऑफ ट्रांसमिशन बैंडविथ. और फिर हमने ये कहा था कि इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने दो बैंडविथ एफिशिएंट स्कीम्स को डिस्कस किया था, वन वॉज दी क्वाम एंड दी अदर वन वॉज सिंगल साइड बैंड. क्वाम के अंदर हम दो बी सिग्नल्स को बी और बी सिग्नल्स को हम ऐड करके हम 2B के ऊपर ट्रांसमिट कर रहे थे, और एसएसबी के अंदर हम बी बैंडविथ के सिग्नल को बी ट्रांसमिशन बैंडविथ के ऊपर ट्रांसमिट कर रहे थे इन ऑर्डर टू हैव
यू कैन से एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ। और उसके बाद हमने ये कहा था कि जो सिंगल साइड बैंड की टेक्निक है, इसके अंदर हमारे पास इशू ये आ रहा था कि आप सिंगल साइड बैंड के लिए जो आप सिंगल साइड बैंड जनरेट करते हैं उसके, इसमें हमारे पास जो हिल्बर्ट ट्रांसफार्मर है वो एक वाइड बैंड सिग्नल को जनरेट नहीं कर सकता, के अंदर 90 डिग्री का फेज शिफ्ट ऐड नहीं कर सकता। सो फॉर दैट रीजन हमने एक और वेरिएंट डिस्कस किया था, दैट वाज द वेस्टिजियल साइड बैंड, जो कि इन दोनों के बीच में एक टेक्निक है। इस केस में हमारे पास SSB से ज़्यादा बैंडविथ रिक्वायर्ड होती है, बट इट इज़ लेस देन DSB सिग्नल बैंडविथ, तो हमारे पास VSB का सिग्नल आ जाता है। और ये सारी टेक्निक्स डिस्कस करने के बाद, और हमने ये भी बात की थी कि इन सब में जो कोहेरेंट डिटेक्शन है दैट इज एप्लीकेबल इन ऑल दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ AM वेरिएंट्स। फिर हमने FM को जो हमने डिस्कस किया था, या एंगल मॉड्यूलेशन को हमने डिस्कस किया था, इसके अंदर हमने इसके दो डिस्कस किए थे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड द अदर वन वॉज फेज मॉड्यूलेशन। और फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेशन के अंदर हमने ये बात की थी क्योंकि फ्रीक्वेंसी और फेज जो है दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, बिकॉज वी नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विल गिव यू फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में हमने कहा था कि ख्वा आपके पास एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर हो या आपके पास एक फेज मॉड्यूलेटर हो, इन बोथ केसेस आप इससे FM सिग्नल भी जनरेट कर सकते हैं और PM सिग्नल भी जनरेट कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर आपके पास फेज मॉड्यूलेटर है तो आप इसे फेज मॉड्यूलेशन भी जनरेट कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का सिग्नल भी जनरेट कर सकते हैं। मीनिंग कि अगर आप इसको मैसेज सिग्नल दे देंगे FM को तो ये FM जनरेट कर देगा, और PM जनरेट करने के लिए आप क्या करेंगे? एनीवन? जी डेरिवेटिव दे देंगे सर। जी तो उस केस में हम डेरिवेटिव ऑफ द मैसेज सिग्नल इसको दे देंगे तो ये PM जनरेट कर देगा। लाइकवाइज PM के केस में अगर आप इसको मैसेज सिग्नल दे देंगे तो ये PM सिग्नल जनरेट कर देगा, और अगर आप इसको इंटीग्रेशन ऑफ मैसेज सिग्नल दे देंगे तो ये FM का सिग्नल जनरेट कर देगा। सो बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। फिर हमने इसके उसी तरह हमने मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स देखे थे जहाँ पे हमने FM और PM की बैंडविथ को डिटर्मिन किया था। इसमें हमने नैरो बैंड FM के केस में वी सॉ कि इसकी बैंडविड्थ जो है दैट इज 2B जस्ट लाइक अ DSB सिग्नल, और जो वाइड बैंड FM है उसके लिए बैंडविड्थ जो निकली थी दैट वाज यूजिंग कार्सन्स रूल दैट इज 2 del F + B। ठीक है, और फिर हमने इसको डीमॉड्यूलेट करने के लिए वी लुक्ड एट डिफरेंट टेक्निक्स, जिसके अंदर हमने जो आपके पास डीमॉड्यूलेशन के टूल्स थे, वन वाज द फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर जिसके अंदर हम एक डिफरेंशिएटर और फिर आप एक एनवेलप डिटेक्टर जो है उसको यूज कर रहे थे। सेकंड केस में आपके पास एक जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर था जिसके अंदर आप एक हार्ड लिमिटर को यूज कर रहे थे, और साथ आप क्या यूज कर रहे थे? फ्रीक्वेंसी काउंटर, एक डिजिटल फ्रीक्वेंसी काउंटर आप यूज कर रहे थे। एंड द लास्ट वन वॉज द फेज लॉक लूप जिसके अंदर आप VCO को यूज कर रहे थे फॉर डीमॉड्यूलेशन। तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की, और बोथ AM और FM के केस में हमने सुपर हेटरोडाइन रिसीवर्स को भी डिस्कस किया, और हमने अपनी डिस्कशन को कंक्लूड किया था चैप्टर नंबर 5 के अंदर जहाँ पे हमने FM ब्रॉडकास्टिंग को डिस्कस किया था। और हमने देखा था कि जो आपके पास FM के ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम्स हैं दे कैन एक्चुअली ट्रांसमिट बोथ मोनो सिग्नल्स एंड स्टीरियो सिग्नल्स एज वेल, एंड हाउ दैट सिस्टम एक्चुअली वर्क्स। तो यहाँ पे हमने अपनी डिस्कशन को लास्ट टाइम कंक्लूड किया था, एंड दिस वाज अ क्विक रीकैप ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार। सो विद दिस चैप्टर नंबर 4 एंड 5 हमारा जो मेन एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम के जो दो मेन हमारे टॉपिक्स हैं दैट वाज चैप्टर नंबर 4 एंड 5 वो कंप्लीट हो गए। चैप्टर नंबर 6 के अंदर बेसिकली हम उस ट्रांजिशन को डिस्कस करेंगे जो कि एनालॉग कम्युनिकेशन को या एनालॉग सिस्टम्स को डिजिटल की तरफ लेके जाते हैं, और इस चैप्टर नंबर 6 में हम बात करेंगे उस टेक्निक की दैट एक्चुअली हेल्प्स अस टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल, एंड दैट इज द A to D कन्वर्जन। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम बात करेंगे सैम्पलिंग की और A to D कन्वर्जन की। ठीक है, सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट सैम्पलिंग प्लस क्वांटाइजेशन, क्योंकि ये दो प्रोसेसेस हैं जिनसे आप किसी भी एनालॉग सिग्नल को आप डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज A to D कन्वर्जन,
एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, जिसके अंदर सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन दो मेन पार्ट्स होते हैं। इसी इसी चीज को सामने रखते हुए हमारे इस चैप्टर के अंदर भी दो सेक्शंस होंगे, दो पार्ट्स होंगे, जिसके अंदर हम सैम्पलिंग को डिस्कस करेंगे और फिर हम क्वांटाइजेशन को डिस्कस करेंगे। और दिस इज चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, एंड वी विल ट्राई टू फिनिश दिस इन 2 वीक्स टाइम। हमारे पास इस वीक में, सॉरी इस मंथ में, आई थिंक वी हैव गॉट 3 मोर वीक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 और 4, बट एनी वेज वी विल ट्राई टू फिनिश दिस इन इन 2 वीक्स टाइम, सो दैट जो चैप्टर नंबर 7 के कुछ टॉपिक्स हैं वो हम टाइमली कवर करके इस कोर्स को फिनिश कर सकें। और अगर हम अपने स्केड्यूल टाइम से जल्दी हमने अपना कोर्स खत्म कर लिया, तो वी विल ट्राई एंड अरेंज सम काइंड ऑफ ट्यूटोरियल्स इन द रिमेनिंग लेक्चर्स, ताकि अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो किसी टॉपिक के बारे में या किसी प्रॉब्लम्स के बारे में, तो वी कैन डिस्कस क्लासेस। ओके, सो चैप्टर नंबर 6 के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन विद सैम्पलिंग थ्योरम, और फिर हम बात करेंगे पल्स कोड मॉड्यूलेशन की। जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन है, दिस इज बेसिकली द क्वांटाइजेशन पार्ट जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, एंड दिस सैम्पलिंग थ्योरम कवर्स दिस सैम्पलिंग पार्ट। और इन दोनों टॉपिक्स, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन को, दिस इज द ए टू डी कन्वर्जन, इसको डिस्कस करने के बाद हम जो आपके पास क्वांटाइजेशन का पार्ट है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, इसके अंदर हम इसके दो अदर वेरिएंट्स को डिस्कस करेंगे विच आर मोर एफिशिएंट देन अ नॉर्मल पीसीएम, तो वो कहलाते हैं डिफरेंशियल पीसीएम एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो फिर हम इन दो टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे विच इज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ द पीसीएम, इनफैक्ट आई शुड से पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो है सो इस केस में पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो है, इसकी जगह हम एक एफिशिएंट स्कीम देखेंगे डिफरेंशियल पीसीएम, और इसका आगे एक स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो डेल्टा मॉड्यूलेशन है, विच इज द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग क्वांटाइजेशन। तो बेसिकली इस तरह इस चैप्टर को फिनिश करेंगे विद दिस सीक्वेंस। So obviously we're going to start with the sampling part first, and let's see what the sampling theorem actually states. So basically, the most of this discussion is chapter के अंदर होगी इंशाल्लाह। You already know all these things, but आज हम इसको जरा mathematically भी देखेंगे कि ये actually sampling theorem कहता क्या है, and why it is required कि आपके पास जो sampling frequency है, आपकी कितनी होनी चाहिए sampling frequency? What is the criteria for determining the sampling frequency of a signal? इक्वल और ग्रेटर देन 2b। जी, ये हमने हमें ऑलरेडी पता है कि जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, इट शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ योर सिग्नल। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल हम क्यों कहते हैं कि आपका जो भी बेस अगर स्पेक्ट्रा इस तरह का है, तो व्हाट एवर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज, ये जो इसकी बैंडविड्थ कहला रहा है, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है, दिस इज द मैक्स फ्रीक्वेंसी, इसका 2 टाइम्स आपने लेना होता है मिनिमम इन ऑर्डर टू सैंपल दिस सिग्नल। तो ये जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास, ये बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट है और ये हम क्यों रिक्वायरमेंट लेते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे, एंड वी विल सी कि ये क्राइटेरिया किस लिए रिक्वायर्ड है। व्हाई डू वी एक्चुअली नीड टू हैव एफ एस इक्वल टू 2b? अगर हम एफ एस इक्वल टू 2b करते हैं या इससे कम रेट के ऊपर करते हैं, मिसाल के तौर इफ यू टेक एफ एस लेस देन 2b, तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा? सो हम इस चीज को आज डिस्कस करेंगे एज अ पार्ट ऑफ अवर सैम्पलिंग थ्योरम, एंड वी विल सी व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए टू डी कन्वर्जन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद सैम्पलिंग थ्योरम। सो व्हाई डू वी नीड सैम्पलिंग? एनालॉग सिग्नल्स कैन बी डिजिटाइज्ड थ्रू सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि जो एनालॉग सिग्नल्स हैं आपके पास, उनको आप डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द ए टू डी कन्वर्जन, विच इज सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। सो ये दो जो पार्ट्स हैं सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन के, दे आर पार्ट ऑफ द ए टू डी कन्वर्जन। हमने चूंकि अब एक ट्रांजिशन की बात हम कर रहे हैं कि अगर आपके पास एनालॉग सिग्नल हो और आपके पास जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो डिजिटल है, तो फर्स्ट यू नीड एन ए टू डी कन्वर्टर to convert your analog signal into digital so that you can pass it to a digital communication system. So इसके लिए आप A to D converter को use करते हैं। तो in A to D converter the sampling rate must be large enough to permit the analog signals to be reconstructed from the samples with sufficient accuracy. So basically इस statement की बात का मतलब ये है कि जो हम sampling frequency की बात करें, जो अभी हमने बात की थी, FS should be equal to or greater than
2 BM, ये हमें इसलिए रिक्वायर्ड है कि जब आप एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इसकी सैम्पलिंग अगर करते हैं, तो इट मीन्स यू आर क्रिएटिंग सैम्पल्स समथिंग लाइक दिस, आगे हम डिटेल में भी बात करेंगे। सो मिसाल के तौर पे आप इसका एक सैंपल ये ले लेते हैं, एक सैंपल ये ले लेते हैं, एक सैंपल ये बना देते हैं, और ये जो सैंपलिंग है ये एक यूनिफॉर्म सैंपलिंग हो रही है, यानी कि हर सैंपल के बीच में जो इंटरवल है ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, आपने ये जो ब्लू लाइन है ये आपने सैंपल्स क्रिएट कर दिए फ्रॉम दी एनालॉग सिग्नल। तो ये जो आपके पास सैंपल्स के बीच स्पेसिंग है इसको हैं, और TS we all know it is 1/FS। तो ये आपने FS ऐसा सेलेक्ट किया at least 2 BM, जिससे ये एक आपको TS की वैल्यू मिल गई और उस रेट के साथ आपने ये सैंपल्स जो है वो जनरेट किए। सो बाय डूइंग द सैम्पलिंग इन सच अ वे यू कैन एक्चुअली रिकंस्ट्रक्ट द डिजिटल द एनालॉग सिग्नल फ्रॉम द डिजिटल सिग्नल्स। तो जो ये सैम्पलिंग थ्योरम यूज करने का हमें फायदा ये होता है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी 2 times द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ले लें, तो आपके पास ये जो सैंपल्स आपके पास जनरेट हो रहे हैं रिसीवर साइड पे, इन सैंपल्स से आप दोबारा अपना एनालॉग सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, अगर ये वाली कंडीशन मीट हुई भी होगी। अगर ये कंडीशन मीट नहीं हुई भी, तो आप इन सैंपल्स से एनालॉग सिग्नल यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन अचीव नहीं कर सकते। दैट इज वाई सैंपलिंग थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द सैंपलिंग थ्योरम डिफाइंस द बेसिस फॉर डिटर्मिनिंग द प्रॉपर, जिसको हम लॉसलेस कहते हैं, प्रॉपर सैम्पलिंग रेट फॉर अ गिवन सिग्नल। यानी कि इस सैम्पलिंग रेट, ये जो टी एस है, इसको डिटर्मिन करने के लिए हम ये सैम्पलिंग थ्योरम यूज करते हैं, क्योंकि अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल कर लेंगे तो यू विल हैव अ लॉसलेस ट्रांसमिशन, कि आप उन सैंपल से दोबारा अपना एनालॉग सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। सो इस चीज को हम आगे जरा डिस्कस करते हैं और एनालाइज करते हैं कि सैम्पलिंग थ्योरम कहता क्या है। सो लेट्स कंसिडर अ सिग्नल, ये एक टाइम डोमेन सिग्नल है जी ऑफ टी, whose spectrum is band limited to B hertz. See, हमने एक सिग्नल ले लिया जिसका स्पेक्ट्रम इज इक्वल टू बी हर्ट्स, इट इज बेसिकली दिस जी ऑफ एफ। तो इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूँ कि ये जो जी ऑफ एफ है इसकी वैल्यू जीरो है आउटसाइड बी, बिकॉज वी ऑलरेडी नो के एफ एब्सोल्यूट का मतलब होता है एफ आउटसाइड ऑन बोथ साइड, यानी बोथ साइड ऑफ बी इट इज जीरो। तो आउटसाइड बी का मतलब है आउटसाइड बी हेयर एंड आउटसाइड बी माइनस बी ऑन दिस साइड, इस चीज को हम लिख सकते हैं एज एफ हैट आउटसाइड बी, एफ हैट इनसाइड बी, इसका मतलब है कि वी टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, ये जो अंदर वाला है। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रा है आउटसाइड बी, ये स्पेक्ट्रा जी ऑफ एफ इक्वल टू जीरो है, दिस मींस इट इज ए बैंड लिमिटेड सिग्नल। एक खास बैंड के बाद आपके पास यहां पे जो स्पेक्ट्रा है वो जीरो हो जाता है। सो वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द सिग्नल एग्जैक्टली from its discrete samples, samples taken uniformly at a rate of r samples per second. अगर आप एक खास रेट r, for example, इस रेट से अगर आप उस इस एनालॉग सिग्नल को, इस g of t का अगर आप सैंपल लेते हैं, उन डिस्क्रीट सैंपल से आप दोबारा उस सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अगर आप उसको एक r samples per second से आप यूनिफॉर्मली उसको सैंपल करें। अब ये r क्या चीज़ है बेसिकली, तो वी हैव टू सी कि ये कंडीशन क्या होल्ड करती है आर के लिए। आर बेसिकली क्या है, दिस इज नथिंग एल्स बट योर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकंड। रेट क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकंड। तो रेट इज एक्चुअली दी सैंपल्स पर सेकंड, ये जो यहां पे आगे ये लिखा हुआ है। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर आर, द कंडीशन इज दैट आर शुड बी ग्रेटर देन 2b। ठीक है, अगर हम बात करें तो शुड बी आर शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 2b, तो ये हम fs की ही बात कर रहे हैं। In other words, the minimum sampling frequency for perfect signal recovery is fs is equal to 2b hertz, यानी कि आपका जो रेट है वो 2 times fm या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, या इसको bm कह दें, इसके बराबर होनी चाहिए। सो दिस इज द मिनिमम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। So consider a signal g of t whose spectrum is band limited to b hertz. इसको हम इस तरह graphically show कर सकते हैं कि आपके पास एक time domain signal है g of t, ये हमने एक random से signal plot कर दिया। इसका जो spectra है g of f, ये frequency domain में यहाँ पे show हो रहा है और omega domain में ऊपर show हो रहा है। तो frequency domain में ये जो bandwidth है ये b है और omega domain में ये 2 pi b है, क्योंकि हमें पता है omega जो होता है वो 2 pi f के बराबर होता है।
तो यहाँ पे ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ये 2 पाई बी के बराबर है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में इट इज इक्वल टू बी. एंड बिकॉज हम बैंडविथ सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज को डिस्कस कर को कंसिडर करते हैं तो ओमेगा डोमेन में जो बैंडविथ है वो है 2 पाई बी और फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो बैंडविथ है वो है बी. सो जो सैम्पलिंग एट अ रेट एफ एस मीन्स वी टेक एफ एस यूनिफॉर्म सैंपल्स पर सेकेंड. सो एफ एस का मतलब है कि जो भी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है आप उतने सैंपल्स लेंगे पर सेकेंड. तो आपके पास अगर एफ एस निकलता है 1000 तो आपका मतलब इसका मतलब है कि आपने एक सेकेंड में 1000 सैंपल्स जो है वो लेने हैं. इट मीन्स कि अगर आपके पास ये सिग्नल यहाँ से लेके यहाँ तक मिसाल के तौर पे ये 1 सेकेंड का टाइम है तो इस 1 सेकेंड के अंदर आपने इस सैंपल से रिप्रेजेंट करना है. दिस इज व्हाट इट मीन्स. तो इसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 1000 होगी. So this uniform sampling can be accomplished by multiplying g of t by an impulse train delta ts. तो हम ये जो 1000 samples हमने consider करने हैं in this particular example, हम ऐसे achieve कर सकते हैं कि simply ये जो g of t है हम उसको एक impulse train के साथ, यानी impulse train का मतलब है कि ये impulses हैं which are continuous और इन impulses की जो duration है वो ts के बराबर है, कि हर एक इंपल्स के बीच में जो ड्यूरेशन है वो टी एस के बराबर है विच इज इक्वल टू 1/fs जो हमारा रिक्वायर्ड सैम्पलिंग इंटरवल है. अगर मैं इस इंपल्स ट्रेन को अपने एनालॉग सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास वो सैंपल्ड सिग्नल जनरेट हो जाएगा. ठीक है, लेट मी क्लियर दिस अ लिटिल बिट एंड लेट मी क्विकली टेक द अटेंडेंस एज वेल. तो जो अब आपके पास इम्पल्स ट्रेन है, अगेन इट लुक्स लाइक दिस, इट इज गोइंग टिल इन्फिनिटी लाइक दिस. तो ये जो इम्पल्स ट्रेन है इनके बीच में दो सैंपल्स के, ये दो इम्पल्सिस के बीच में जो ड्यूरेशन है दिस इज टू टी एस. तो अगर मैं इस इम्पल्स ट्रेन को अपने मैसेज सिग्नल से मल्टीप्लाई करूँ तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, जी ऑफ टी डेल्टा टी एस ऑफ टी, राइट, ऐसे ही हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पे बिफोर गोइंग अहेड, यहाँ पे जो हम दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली अगर मैं इसको डी एस बी एस सी से कंपेयर करूँ जिसके अंदर हम मैसेज सिग्नल को एक कैरियर से मल्टीप्लाई करते थे, जस्ट कंसीडर दिस एज एन एग्जांपल, अगर मैं अज्यूम करूँ कि मेरा मैसेज सिग्नल वही जी ऑफ टी इज माई मैसेज सिग्नल और ये जो सिग्नल है ये मेरा कैरियर है, दिस इज कॉज ऑफ ओमेगा सी टी मिसाल के तौर पर, तो डी एस बी एस सी में टाइम डोमेन में क्या होता था? कन्वोल्यूशन तो नहीं होती ना. देखें, ये आपके पास टाइम डोमेन में ये टाइम डोमेन सिग्नल है, ये भी टाइम डोमेन सिग्नल है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो आपके पास ये जो भी मैसेज सिग्नल है जब भी ये कैरियर से मल्टीप्लाई होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो आपको पता है कि जो मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रा प्लस माइनस ओमेगा सी पे शिफ्ट हो जाएगा, टाइम डोमेन में क्या होता है? सर उसी की शेप ले लेता है, MFT की. आपका जो कैरियर है वो मैसेज सिग्नल की शेप ले लेता है. एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट आप देखें कि ये भी एक टाइम डोमेन सिग्नल है, ये भी एक टाइम डोमेन सिग्नल है, तो कैरियर विल टेक द शेप ऑफ द मैसेज सिग्नल. तो अगर यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ कि अगर ये मेरा मैसेज सिग्नल है जी ऑफ टी और ये मेरा कैरियर है, जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो बेसिकली क्या होगा? जी सर, इंपल्स ट्रेन विल टेक द शेप ऑफ द मैसेज तो बेसिकली जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा कि जो मेरी इंपल्स ट्रेन है फॉर एग्जांपल, ये मेरा मैसेज सिग्नल है और ये मेरे पास इंपल्स ट्रेन है, ये दोनों मैं बिल्कुल ऊपर नीचे इन दोनों को मैंने बना दी, लेकिन यानी इसको जी ऑफ टी को ऊपर ड्रॉ कर दिया है और जो मेरा डेल्टा टी एस है इसको मैं नीचे ड्रॉ कर दिया. तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो बेसिकली होगा ये जो इंपल्स है इट विल टेक द शेप ऑफ द मैसेज सिग्नल, जहां पे इस इंपल्स ये जो इंपल्स की वैल्यूज हैं दे विल चेंज अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द मैसेज सिग्नल. यही मेरी सैंपलिंग है, क्योंकि अब आउटपुट में मुझे ये इंपल्सिस नजर आ रही हैं विच हैव टेकन द शेप ऑफ द मैसेज सिग्नल. तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो सिग्नल है वो सैंपल्ड हो गया है. बात समझ आ रही है आप लोगों को?
यस सर तो दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट कि जो सैम्पलिंग है जब भी आप किसी इंपल्स ट्रेन से अपने सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं द इंपल्स ट्रेन टेक्स द शेप ऑफ द मैसेज सिग्नल सो द यू गेट अ सैम्पल्ड वर्जन ऑफ द मैसेज सिग्नल सो द पल्स ट्रेन कंसिस्ट ऑफ यूनिट इंपल्सिस रिपीटिंग पीरियोडिकली एवरी टी एस सेकेंड और इनका जो पीरियड है दैट इज टी एस जो आपकी रिक्वायर्ड सैम्पलिंग इंटरवल है सो दिस रिजल्ट इन अ सैम्पल्ड सिग्नल जी बार ऑफ टी तो हम यहाँ पे जी ऑफ टी को एनालॉग सिग्नल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जी बार को सैम्पल्ड सिग्नल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो जो आपका जी हैट है सॉरी जी बार जो है दिस इज नथिंग एल्स बट जी ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय द इंपल्स ट्रेन का आउटपुट पे मिलेगा एंड हियर वी कैन सी that impulses have taken the shape of the message signal which is actually the sampled signal g hat of t so in dono is relationship ko ye jo product hai hamare paas g bar of t ka which is g of t multiplied by this impulse train isko main mathematically bhi likh sakta hu like this ki jo g bar of t hai it is the product of g of t and the impulse train to jab g of t g impulse train से multiply हो रहा है तो हमें पता है कि impulse train is taking the shape of the message signal उसका मतलब है कि हर एक impulse का जो amplitude है it is equal to the value of that function at that particular time अगर ये जो function है मेरे पास ये g of t है तो जो मेरी पहली impulse है first one for example ये time one पे है ये time two पे है ये time three पे है मैं वैसे एक example ले रहा हूँ तो जो टाइम वन के ऊपर मेरी इंपल्स है वो इस फंक्शन जी ऑफ टी की वैल्यू एट टी इज इक्वल टू वन पे जो वैल्यू है वो एम्पलीट्यूड ले लेगा जो सेकेंड इंपल्स है इट विल टेक द एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शन एट जी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू टू पे जो भी वैल्यू है इसकी तो हर एक इंपल्स जो है इट ऑफ द तो मैं मैथमेटिकली इस इंपल्स ट्रेन को कैसे लिख सकता हूं कि मेरे पास जो इंपल्स ट्रेन है this delta t obviously this is an infinite sequence of impulses so n is from minus infinity to plus infinity to maine usko ek summation se represent kar diya aur kyunki ye har ek impulse ke beech mein jo distance hai wo ts ke barabar hai to main isko t minus nts kar deta hu depending upon the value of n you will have a series of impulses delta aur ये जो आपके पास पल्सेस आ रही है इनका एम्पलीट्यूड कितना है इसका एम्पलीट्यूड डिफाइन होता है बाय द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर एनटीएस क्योंकि आपके पास जो पहली इंपल्स है वो n इज इक्वल टू जीरो पे है तो वो जीरो टाइम के ऊपर है अगली जो इंपल्स है वो n इज इक्वल टू वन पे है इट मीन्स इट इज आफ्टर टी एस विच इज दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो टी एस हो जाएगा फिर जो सेकेंड हमारे पास जो थर्ड इंपल्स होगी वो n इज इक्वल टू टू पे होगी When n is equal to 2, तो वो मेरे पास यहाँ पे इंपल्स आएगी एंड वी कैन सी इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो भी टी एस है तो इट मीन्स वट एवर द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन इज एट दैट एन टी एस माई इम्पल्स विल टेक दैट वैल्यू एज एट एज इट्स एम्पलीट्यूड सो वी कैन राइट दिस होल सैम्पल सिग्नल लाइक दिस इन मैथमेटिकल फॉर्म सो इन दिस केस माई सैम्पल सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड एज the summation of all these impulses where each impulse has taken the amplitude of the function at that particular instant so since the impulse train is a periodic signal hame pata hai ki jo impulse train thi wo periodically apne aap ko repeat kar rahi hai it is going from minus infinity to infinity ye ek periodic signal so agar impulse train ek periodic signal hai jiska period ts hai हम इसको एक एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वी ऑलरेडी नो दिस कि जितने भी पीरियोडिक सिग्नल्स हैं आप चाहें तो उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आपके पास ये जो इंपल्स ट्रेन है इसको जब आप एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज वन ओवर इट्स पीरियड विच इज टी एस समेशन सम ऑफ ऑल दीज एक्सपोनेंशियल्स ठीक है क्योंकि हर एक्सपोनेंशियल की एम्पलीट्यूड वन है तो यहाँ पे हमारे पास वन आ रहा है So this is summation all these exponentials 1 over ts which is its period this is the exponential Fourier series of your impulse train aur yahan pe ye jo omega s hai this is nothing else but ye wahi ts se nikla hua hai jahan pe aapne 2 pi by ts kiya hai to aapke paas omega s aa gaya which is nothing else but 2 pi fs ye iske barabar hai
So this is the exponential Fourier series representation of your periodic impulse train with period Ts. अब मैं इस जो आपके पास इंपल्स ट्रेन का एक्सप्रेशन है, लेट मी रिप्लेस इट ओवर हेयर, यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट अगर कर दूं तो बेसिकली क्या हो रहा है, अब ये g ऑफ t जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो आई कैन राइट दिस g हैट ऑफ t एज वो इस ओवर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा g t के साथ. सो दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द sampled version of the message signal in the form of the original message signal g of t. ये आपने इसको यहाँ पे represent कर दिया. So आप इसको एक impulse train से भी represent कर सकते हैं. You can represent it like an exponential Fourier series as well. Okay. तो अब मैं इस ये जो signal है मेरे पास this one sorry ये जो मेरे पास signal है this is the time domain signal of your sampled signal. अगर इस टाइम डोमेन को मैंने फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन इजीली यूज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी हैट ऑफ टी एंड इट विल बी एज फॉलोज. वो आप कैसे निकाल सकते हैं, इफ यू लुक क्लोजली ये जो आपके पास सिग्नल आ रहा है यहां पे मैं नजर आ रहा है कि जो हमारा जी ऑफ टी है इट इज बींग मल्टीप्लाइड बाय एन एक्सपोनेंशियल और हमारे पास यहाँ पे एक समेशन है कि एन की वैल्यू वेरी कर रही है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक और वन ओवर टी एस तो कॉन्स्टेंट है. तो अगर मैं g बार ऑफ t से g बार ऑफ f निकालना चाह रहा हूं तो मुझे पता है कि जब भी एक टाइम डोमेन सिग्नल एक एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करता है तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसके स्पेक्ट्रा के साथ क्या होता है, शिफ्ट होता है, शिफ्ट हो जाता है. तो मेरे पास वैसे कितने एक्सपोनेंशियल्स हैं, n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है. तो मैं जब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालू तो आई कैन राइट इट एज कि जो g हैट g बार ऑफ f है ये उसी तरह एक समेशन है जहां पे ये जो g का स्पेक्ट्रा है ये nfs के ऊपर शिफ्ट हो गया, यानी कि जैसे n की वैल्यू वेरी हो रही है तो मेरे पास g ऑफ f का स्पेक्ट्रा nfs के ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है और वो 1 ओवर ts से मल्टीप्लाई हो गया बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू. तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में यानी टाइम डोमेन में अगर आपके पास सिग्नल g बार ऑफ t है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ दीज Fourier transform, some of the spectra of G of F centered at NFS. Yani yahi jo G of F ka spectra hai, for example, jo G of T ka frequency domain mein response tha aise, 0 to B. To iska matlab hai ki jo jab aap isko sample kar lete hain, is G of T ko, to us case mein jo frequency domain response aayega, this is what G of F is. Aur jo G bar of F hai, ye isi फोरियर जो आपके पास स्पेक्ट्रा है जी ऑफ एफ को इसको रिपीट करता है आफ्टर एवरी एनएफएस. इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक स्पेक्ट्रा जो है वो जीरो पे है, दूसरा आपके पास एफएस के ऊपर होगा, फिर आपके पास टू एफएस के ऊपर होगा, लाइक इधर माइनस एफएस के ऊपर सेंटर्ड होगा एंड सो एंड सो फोर. दिस इज व्हाट दिस एक्सप्रेशन टेल्स यू. सो इट मींस द स्पेक्ट्रम जी हैट जी बार ऑफ एफ कंसिस्ट ऑफ जी ऑफ एफ स्पेक्ट्रास स्केल्ड बाय 1 बाय टी एस, क्योंकि ये 1 बाय टी एस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर एक एम्पलीट्यूड यहां पे 1 बाय टी एस है, ठीक है, एंड रिपीटिंग पीरियोडिकली विद द पीरियड एफएस. एफएस के साथ ये पूरा स्पेक्ट्रा जो है ये रिपीट हो रहा है इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. तो अगर आप इसको ग्राफिकली देखें तो जब आप जी बार ऑफ टी को डिटर्मन करते हैं व्हेन योर इंपल्स ट्रेन टेक्स द शेप ऑफ योर सिग्नल जी ऑफ टी, तो आपके पास ये इंपल्सेस आती हैं. तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, इस सैंपलिंग को अचीव करने से कि आपके पास जो जी बार ऑफ एफ का सिग्नल है ये जी ऑफ एफ का स्पेक्ट्रा रिपीट होता है आफ्टर एवरी एफएस, एफएस, टू एफएस, थ्री एफएस, फोर एफएस एंड सो एंड सो फोर. तो दिस इज एक्चुअली व्हाट यू गेट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन वंस यू सैंपल योर मैसेज सिग्नल जी ऑफ टी. Can we reconstruct g of t from g distortion? क्या हम इसको अचीव कर सकते हैं इस स्पेक्ट्रा में से, इस पूरे स्पेक्ट्रा में से मैं सिंपल ये पार्ट एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं? Yes, sir. कैसे कर सकता हूं? Sir, बैंड पास लगा दे फिल्टर. लो पास होता है ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज है सारी, आपने एक लो पास फिल्टर यूज करना है तो वो इट विल
एक्सट्रैक्ट दिस सिग्नल जो कि आपका जी ऑफ टी का सिग्नल है, और बाकी सारे ये जो एडिशनल स्पेक्ट्रा हैं ये फिल्टर आउट हो जाएंगे. सो हम लो पास फिल्टर तभी अप्लाई कर सकते हैं इफ यस देन वी शुड बी एबल टू रिकवर जी ऑफ एफ फ्रॉम जी हैट जी बार ऑफ एफ. इससे हम रिकवर कर सकते हैं इफ देर इज नो ओवरलैपिंग अमंग रेप्लिकास. ठीक है, ये इसकी कंडीशन है कि आपके पास, लेट मी क्लियर दिस, ये जो रेप्लिकास हैं आपस में ओवरलैप ना करें, ये वाला इस पे ओवरलैप ना करो, यानी कि ये जो रेप्लिकास हैं दे मस्ट नॉट बी लाइक दिस, कि एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे. अगर ये ओवरलैपिंग हो रही होगी तो फिर आप इसके अंदर से एक परफेक्ट जो आपका एक स्पेक्ट्रा था जीरो टू बी ये वाला, ये रिकवर नहीं कर सकेंगे. क्लियर? बात क्लियर आपको? यस सर. ओके, अब हम इसको उस सैंपलिंग थ्योरम से हम रिलेट करते हैं इस इंफॉर्मेशन को, तो हमें पता चलेगा कि व्हाई डू वी नीड एफएस एटलीस्ट इक्वल टू टू बी, ये हमें क्यों एटलीस्ट चाहिए होता है. तो अगर आप गौर से देखें, अब हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रा आपस में ये जो रिपीट कर रहा है, जिस तरह हमने बात की थी कि ये वाला सेंटर्ड है जीरो पे, ये सेंटर्ड है एफएस पे, ये सेंटर्ड है टू एफएस पे, एंड सो एंड सो फोर्थ. अगर ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे तो हम इसमें से जी है जी बार ऑफ एफ में से हम जी ऑफ एफ एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते इफ देर इज एन ओवरलैप ऑफ दीज टू स्पेक्ट्रास. तो हमारे पास सबसे मिनिमम क्या कंडीशन है कि आपके पास ये जो स्पेक्ट्रास हैं ये इस तरह एग्जिस्ट कर रहे हो, दिस इज जीरो और ये यहाँ पे खाली टच कर रहा हो, दिस इज एफ एस, ये खाली यहाँ पे टच कर रहा हो एफ एस, दिस इज टू एफ एस, यहाँ पे तो हमें गैप नजर आ रहा है. ठीक है, ये लीस्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ये स्पेक्ट्रा जहाँ दोनों टच कर रहे हो, दिस इज द लीस्ट पॉसिबिलिटी जहाँ पे हम सिग्नल को रिकवर कर सकते हैं यूजिंग एन आइडियल फिल्टर, क्योंकि फिर वो आइडियल फिल्टर एग्जैक्टली इस तरह का होगा ताकि हम इसमें से ये जी ऑफ एफ को हम रिकवर कर सकें. तो अब हम मुझे बता सकते हैं ये एफ एस की वैल्यू क्या हो सकती है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ एस? 2b सर. कैसे निकाला आपने सर? बैंड एक्टिवल है ना, ये आप इस सिग्नल के स्पेक्ट्रा को देख के बता सकते हैं. आपको पता है कि जो आपको मैसेज सिग्नल है वो जीरो से बी है, तो इसका मतलब जीरो से लेके यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है? बी. ये बी है और एफ एस को हमें पता है, हमें पता है ये भी बी है और ये भी बी है. तो अगर मैं इस एफ एस के पॉइंट को देखूं तो यहां से लेके यहां तक ये पॉइंट कितना है? इस पॉइंट B, sir. 2B, sir. ये भी B है. तो FS की वैल्यू क्या निकलेगी? 2B. B plus B is mean, it means 2B. Minimum FS की वैल्यू अगर 2B हो तो ये जो replicas है ये इस पॉइंट पे आके खाली टच हो रहे होंगे. Then you would need an ideal low pass filter to extract G of F from G bar of F. लेकिन अगर मैं FS की वैल्यू इससे ज्यादा लेता हूं तो ये FS जो है ये और इस साइड पे हो जाएगा. सो यू विल हैव गैप्स समथिंग लाइक दिस, जिस तरह ये आपके पास यहाँ पे गैप्स आ रहे हैं. नाउ यू कैन इजीली यूज एन अ मोर रियलिस्टिक लो पास फिल्टर टू एक्सट्रैक्ट जी ऑफ एफ फ्रॉम दी दीज रेप्लिकास. दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि एफ एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू बी, सो दैट जब आप ये जो सैंपल सिग्नल्स आपके पास ये सैंपल्स आ रहे हैं विच इन फ्रीक्वेंसी डोमेन लुक समथिंग लाइक दिस, अगर आप ये सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी यूज करके ये सैम्पल सिग्नल जनरेट करेंगे, इफ दिस एफ एस इज ग्रेटर देन 2B तो इन रेप्लिकास के बीच में सेपरेशन ज्यादा होगी एंड देन इजिली यू कैन रिकवर योर सिग्नल जी ऑफ एफ फ्रॉम जी हैट ऑफ एफ जी बार ऑफ एफ. लेकिन अगर आपकी एफ एस की वैल्यू 2B से कम होगी तो ये जो रेप्लिकास हैं ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, आप तो आप सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते एट द रिसीवर साइड. सर एफएस अगर हम मिनिमम 2B लेंगे तो टाइम डोमेन में सिंगल सिग्नल सही तरीके से रिकवर हो जाएगा, यानी क्योंकि सैंपल्स कम होंगे? देखिए आइडियली तो हो सकता है कि अगर मैं एफएस इज इक्वल टू 2B लूं तो हमें पता है कि ये जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी ली है, नाउ इनके बीच में जो मेरे पास ये जो सैंपलिंग इंटरवल है टीएस,
ये मैंने ts कैसे कंसीडर किया है, 1 ओवर fs व्हिच इज इक्वल टू 1 ओवर 2b, मैंने ये वैल्यू कंसीडर की है सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी की, सॉरी सैंपलिंग इंटरवल की। अगर इस सैंपलिंग इंटरवल की मैं इंपल्स ट्रेन लेता हूं, यहां पे ये इंपल्सिस मैंने ली, इन इंपल्सिस के बीच में भी ये जो इंटरवल है ये ts है, अगर मैं इस सैंपल्ड सिग्नल को अपने मैसेज सिग्नल g ऑफ t के साथ मल्टीप्लाई करके g बार ऑफ t जनरेट करता हूं, व्हिच से फॉर एग्जांपल लुक्स लाइक दिस, तो अब मेरे पास जो स्पेक्ट्रा होगा इन फ्रीक्वेंसी डोमेन इट वुड बी जस्ट टचिंग ईच अदर लाइक दिस। तो थियोरेटिकली यू कैन एक्चुअली रिकवर द सिग्नल, यहां पे आप एक आइडियल लो पास फिल्टर यूज करें तो आप उस सिग्नल को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एफ एस लेस देन 2b है फिर तो आप थियोरेटिकली भी रिकवर नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास हो गया है। अब आपके पास जो स्पेक्ट्रा है इट लुक समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस। तो इस ओवरलैपिंग की वजह से जो आपके पास ओवरऑल शेप होगी नाउ इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, कि जब ये दोनों स्पेक्ट्रा ऐड हो जाएंगे तो ये आपके पास स्पेक्ट्रा बनेगा समथिंग लाइक दिस, क्योंकि जब ये वैल्यूज ऐड होंगी तो ये स्पेक्ट्रा इस तरह का हो जाएगा, ये रेड में जो शो हो रहा है, मैं पॉजिटिव खाली फ्रीक्वेंसी शो कर रहा हूँ। तो हाउ विल यू रिकवर योर सिग्नल फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्पेक्ट्रा, यू कैन नॉट। तो इन जनरल जब भी आप कोई सिस्टम डिजाइन करते हैं यू ऑलवेज टेक एफ एस ग्रेटर देन 2b, लेकिन हम थ्योरेटिकली ये कहते हैं कि मिनिमम इट शुड बी इक्वल टू 2b, बट नॉर्मली वी टेक एफ एस ग्रेटर देन 2b सो दैट हमारे पास इन रेप्लिकास के बीच में सेपरेशन हो, सो दैट यू कैन यूज अ लो पास फिल्टर विच इज मोर रियलिस्टिक, यानी कि उसके अंदर कोई ट्रांजिशन भी है तो इट शुड बी ओके। ओके It can be seen that for no overlap among replicas in G bar of F, sampling frequency must be greater than 2B. So, अगर हम interval की form में देखें, तो जो TS है, it should always be less than 1 over 2B. Minimum TS should be equal to 1 over 2B, but in practical, TS should be less than 1 over 2B. As long as the sampling frequency fs is greater than twice this signal bandwidth b, g bar here g hat of g bar of f will have non overlapping repetitions of gf. So g of t can be recovered using an ideal low pass filter of bandwidth b hertz. This is when fs is equal to 2b. To aapko ek ideal low pass filter chahiye hoga. So the minimum sampling rate jo fs is equal to 2b hai required to recover g of t from g bar of t is called the Nyquist rate, and the corresponding sampling interval jo ke 1 over 2b hai, this is known as the Nyquist interval. Clear ho gaya? This is what the sampling theorem is, ki aap apne signal ko Nyquist rate ke upar sample karenge to you can reconstruct the original analog signal from the sampled signal, और जो आपके पास इंटरवल होगा दैट इज नोन एज द नाइक्विस्ट इंटरवल। ये सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन होती कैसे है, वो जो आप हम जो भी बात कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपके पास ये जो सैंपल्स आए, फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास एनालॉग सिग्नल था, आपने इसके ये सैंपल्स लिए, जनरेट किए, सैंपल किए, और हमने थ्योरेटिकली देख लिया कि चूंकि इस सैंपल सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये रेप्लिकास हैं आपके पास, तो हम यहाँ पे फिल्टर यूज करके अपना सिग्नल रिकवर कर लेते हैं। लेकिन ये तो हो रहा है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, व्हाट अबाउट टाइम डोमेन? टाइम डोमेन में जब मैं g बार ऑफ t के ऊपर एक लो पास फिल्टर लगाता हूं तो मुझे आउटपुट पे क्या मिलता है? ऑब्वियसली इट इज g ऑफ t, लेकिन ये कैसे अचीव होता है, ये रिकंस्ट्रक्शन कैसे होती है इन टाइम डोमेन? लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग अ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल g ऑफ t from its samples, यानी g bar of t से जो सिग्नल हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको हम इंटरपोलेशन भी कहते हैं, ठीक है? So we have already established that uniform sampling at above the Nyquist rate preserve all the signal information. तो उस sampling interval, ये जो ts less than 1 upon 2b अगर आप करें तो आपके पास सारी information preserve रहेगी, क्योंकि replicas आपस में overlap नहीं कर रहे। So passing the sampled signal through an ideal low pass filter of bandwidth b will reconstruct the message signal. So अभी हम बात जो कर रहे हैं वो ideal case की कर रहे हैं। 2b minimum sampling frequency ली हुई है, it means ts is equal to 1 over 2b. अगर आप ये condition use करें
तो उस केस में आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने मैसेज सिग्नल को यूजिंग दैट लो पास फिल्टर। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है, इट इज नथिंग एल्स कि आपने जी ऑफ टी लिया, इसको आपने एक सैंपलर से गुजारा, तो आपको जी बार ऑफ टी मिल गया। दिस इज द सैंपल सिग्नल, और ये जो सैंपलर है बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एक इम्पल्स ट्रेन के साथ अपने इस सिग्नल जी ऑफ टी को मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो इस इम्पल्स ट्रेन के साथ, तो आपको जी बार ऑफ टी मिल जाता है। और रिकंस्ट्रक्शन के लिए आपको सिर्फ एक लो पास फिल्टर चाहिए जिसकी बैंडविड्थ बी तक है, तो आपको दोबारा जी ऑफ टी मिल जाएगा। दिस इज ऑल व्हाट इट सेज। तो आगे देखते हैं, तो हमने जिस तरह बात की थी कि जो सैंपल्ड मैसेज सिग्नल है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए समेशन ऑफ इम्पल्सेस, जी बार ऑफ टी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सीरीज ऑफ इम्पल्सेस वेयर ईच इम्पल्स हैज टेकिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल जी ऑफ टी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट एन टी एस। तो हम इस तरह उस सैंपल सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमें पता है कि जो हमारा लो पास फिल्टर है जिसकी बैंडविड्थ बी है, हम उसको डिफाइन कर सकते हैं एज ए ट्रांसफर फंक्शन जस्ट लाइक दिस, कि अगर वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में है तो जो ट्रांसफर फंक्शन होगा आपके लो पास फिल्टर का, तो हमें पता है आइडियल लो पास फिल्टर लुक समथिंग लाइक दिस, जीरो और ये उसकी बैंडविड्थ बी है, ठीक है। तो वी कैन सी दिस इज नथिंग एल्स बट अ गेट फंक्शन। इस गेट फंक्शन को हम कर सकते हैं लाइक दिस, ये जो गेट बना हुआ है सेंटर्ड ये जीरो पे है, तो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे एफ माइनस जीरो डिवाइडेड बाय विथ ऑफ दिस गेट, वो हमें पता है कि बी इधर भी है और बी इधर भी है, तो यहाँ पे हम टू बी लिख देंगे। और इसका जो यू कैन से गेन है वो हम टी एस रखते हैं। टी एस रखने का मकसद ये है कि हमारे पास सैम्पलिंग करने के बाद, क्योंकि हमें पता है कि इफ़ यू रिमेंबर जिस तरह हमने फोरियर इसकी एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज देखी थी, तो वो स्केल हो रहा था वन बाय टी एस से, ठीक है। फिर हमारे पास समेशन ई रेस ओवर जे एन ओमेगा एस टी आ रहा था, तो ये जो स्केलिंग हो रही है वन ओवर टी एस की, इसको खत्म करने के लिए हम इस जो ट्रांसफर फंक्शन है इसका गेन हम टी एस ले लेते हैं, सो दैट टी एस टी एस से कैंसिल होकर हमें यूनिट गेन मिल जाए। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी में जब हर्ट्ज है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ अपॉन टू बी, और ओमेगा में हमें पता है इट इज ओमेगा ओवर टू पाए इन टू दिस वैल्यू, सो टू पाए इन टू टू बी विल गिव यू फोर पाए बी, तो वो यहाँ पे आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओमेगा डोमेन में। तो इस ट्रांसफर फंक्शन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं जी बार ऑफ एफ के साथ, तो मेरे पास जी ऑफ एफ मुझे मिल जाएगा। तो आई कैन राइट जी ऑफ एफ इज इक्वल टू जी बार ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय जी एच ऑफ एफ, तो मेरे पास ओरिजिनल स्पेक्ट्रा जो है वो रिकवर हो जाएगा। सो टू रिकवर द एनालॉग सिग्नल फ्रॉम इट्स यूनिफॉर्म सैंपल्स, द आइडियल इंटरपोलेशन फिल्टर जो हमारा ये जो लो पास फिल्टर है, उसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो कैसे होगा, दिस इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स। अब इस एच ऑफ एफ से अगर मैं इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालू एच ऑफ टी, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली बाय लुकिंग एट द स्पेक्ट्रा, कि ये जो एच ऑफ एफ है हमें पता है कि ये इम्पल्स ये ट्रांसफर फंक्शन है मेरे लो पास फिल्टर का, वो टी एस है और इसकी जो विथ है ये टू बी के बराबर है, जिसको मैंने टी एस गेट एफ अपॉन टू बी से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अगर मैं इस एच ऑफ एफ से एच ऑफ टी निकालना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली मैं इस एच ऑफ एफ का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा, और हमें पता है कि ये एक स्क्वेयर फंक्शन है या गेट फंक्शन है। यूजिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म टेबल हम इस एच ऑफ एफ से एच ऑफ टी निकाल सकते हैं, और हमें पता है कि जो स्क्वेयर फंक्शन होता है या गेट फंक्शन होता है उसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म विल गिव यू ए सिंक फंक्शन, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा, अगर ये वैल्यू टॉ बाय टू और ये वैल्यू टू होती, तो ये जो टॉ बाय टू है दिस विल गिव मी दीज नल्स एज वन ओवर टॉ, दिस इज टू बाय टॉ, दिस इज थ्री बाय टॉ एंड लाइक वाइज यहाँ पे ये माइनस वन बाय टॉ, यू कैन गो बैक एंड रिविजिट दैट प्रॉपर्टी। सो इफ दिस टॉ बाय टू इज बी, तो यहाँ पे आप टॉ की जगह टॉ बाय टू पुट करें, ठीक है, सॉरी टॉ की जगह आप पुट करें टॉ बाय टू इज इक्वल टू बी, तो टॉ इज इक्वल टू टू बी, तो यहाँ पे आप टॉ की जगह 2b पुट करें, तो ये जगह 2 ओवर 2b, दिस इज 1 ओवर 2b, दिस इज 3 ओवर 2b, तो ये जो पहला नल आपके पास आ रहा है ये 1 ओवर 2b के ऊपर आ रहा है, यू कैन सी दिस इज 1 ओवर 2b, जो दूसरा नल आपके पास आएगा ये 1 ओवर b पे आएगा, एंड सो फोर्थ।
तो यू कैन इजिली यूज द फोरियर ट्रांसफॉर्म टेबल एंड सी वट इज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एच ऑफ एफ विच इज नथिंग एल्स बट अ सिंक फंक्शन वेयर ईच नल इज एट 1/2b, 2/2b, 3/2b डिपेंडिंग अपॉन the width of this low pass filter, which is a gate function. So h of f, which is ts gate f over 2b, this is now represented as a sync function. Ye aap exactly Fourier transform table ko dekhen, aur is function ko jab aap inverse Fourier transform lenge, you will see it will come out to be this 2b ts sync 2 pi bt, iske barabar hi aayega. Theek hai? Assume that we have used the Nyquist sampling rate. Nyquist sampling rate ka matlab kya hai? Ki humne fs jo liya hai wo 2b ke barabar liya hai. If fs is equal to 2b, to ts kiske barabar hoga? 1 over 2b ke. To ye main ts ki jagah 1 over 2b agar put karu, to ye 2b is 2b se cancel ho jayega. Mere paas value 1 aa jayegi. Iska matlab hai ye jo 2b ts hai, iski value hai 1. Kyunki humne ts liya hua hai. कि हमने सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी ली है मिनिमम विच इज 2b. अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो ये 2bts जो है ये 1 के बराबर होगा एंड हियर वी कैन सी इसका मैग्नीट्यूड 1 ही है. तो जो मेरे पास इंपल्स रिस्पांस है मेरे इस लो पास फिल्टर का, इट इज नथिंग एल्स बट अ सिंक फंक्शन विद मैक्सिमम गेन 1 एंड इट इज 2πbt. ये मेरे इस h of t को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज द इंपल्स रिस्पांस ऑफ दैट फिल्टर. अब मुझे एक बात बताएं कि आपके पास जो g bar of f है, इसको आप h of f से मल्टीप्लाई करें तो आपको g of f मिल जाता है. ये तो हो रहा है फ्रीक्वेंसी डोमेन में. टाइम डोमेन में क्या होगा? अगर ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो टाइम डोमेन में क्या होगा? कन्वोल्यूशन. कन्वोल्यूशन होगी, यानी कि जो मेरे पास g of t है, दिस इज इक्वल टू g bar of t कन्वॉल्व विद h of t. This is what is going to happen in time domain. तो हमें पता है कि जब h of t convolve होता है g of t से, तो we can convolution की statement क्या थी हमारे पास? Integration a को हम g of tau करते थे, दूसरे को h of t minus tau कर लेते थे. ठीक है, हम इस तरह convolution perform करते थे. तो अब basically क्या होगा? ये h of t convolve होगा उस sampled signal के साथ, तो हमारे पास g of t आ जाएगा. So it would look something like this. अभी देखते हैं. Okay. But before that, it can be observed that ये जो h of t का impulse response आया है, at all Nyquist sampling instances, t over n over 2b, except t is equal to 0. इसका मतलब है कि ये जो h of t है, इसकी value 0 है, at t is equal to plus minus n over 2b. और ये हम confirm भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखें. 1 over 2b, 2 over 2b, 3 over 2b, 4 over 2b, it means n over 2b पे इस function h of t की value 0s है. प्लस साइड पे भी और माइनस साइड पे भी. तो मैं इसको लिख सकता हूं कि प्लस माइनस एन ओवर टू बी पे ये एच ऑफ टी जो है ये जीरो हो जाता है, एक्सेप्ट टी इज इक्वल टू जीरो पे, जहां पे इसकी वैल्यू वन है. मेरे पास एच ऑफ टी जो है इट इज जीरो एट प्लस माइनस एन ओवर टू बी, बट टी इज इक्वल टू जीरो पे इट इज एच ऑफ टी इज नॉट इक्वल टू जीरो. ये हमें यहां से नजर आ रहा है, इसी बात को यहां पे लिखती है. सो व्हेन द सैंपल सिग्नल जी बार ऑफ टी इज अप्लाइड एट द इनपुट ऑफ दिस फिल्टर, ईच सैंपल इन जी बार ऑफ टी बीइंग एन इंपल्स जनरेट अ सिंक पल्स ऑफ हाइट इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल. तो जब हम उसको कन्वोल्यूशन कर रहे हैं, तो यहां पे आप गौर से देखें, जब हमने ये कन्वोल्यूशन की बात की थी, इसका मतलब है कि ये जो आपके पास डिलेड वर्जन ऑफ एच ऑफ टीज आ रहे हैं, इन सब का जो एम्पलीट्यूड है, इट विल बी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल सिग्नल g of t, sorry g bar of t, यानी g bar of t will take the height of each impulse, each sync function. या इसको हम g of tau भी कर सकते हैं. अगर ज़्यादा आपने इसको बेहतर तरीके से समझना है, तो हम इसको say for example h of tau g bar of t minus tau कर लेते हैं. यानी कि हर impulse जो है, वो एक sync के साथ multiply हो रही है, हर impulse. और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये जो इंटीग्रेशन की साइन आता है हमारे पास कन्वोल्यूशन में. सो अगर मैं ग्राफिकली देखूं, तो इसका मतलब है कि हर एक इंपल्स, फॉर एग्जांपल मैं अगर इस इंपल्स की बात कर रहा हूं, इस इंपल्स को भी जो आप एक सिंक से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू कैन सी दिस इज द सिंक.
लाइकवाइज मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ये जो अगली इंपल्स है यहाँ पे भी आपके पास एक सिंक आ जाएगा which is represented like this. So time domain में जब आप convolution करते हैं तो आपके पास हर impulse के ऊपर एक sink आ जाता है. And चूंकि हमारे पास जो h of t है, ये जो impulse है, sink function है, ये n over 2b पे इसकी value 0 है, जाएं तो इसको मतलब जहाँ जहाँ आपके पास ये impulses exist कर रही हैं, यहाँ पे सारी pulse, सारे जो ये आपके पास sync functions हैं, इन सब के nulls यहाँ पे exist कर रहे होंगे जहां जहां आपके पास impulse है. तो अगर मैं गौर से देखूं तमाम impulses, क्योंकि यहाँ पे ये जो sync functions है ये overlap कर रही हैं, जहां पे ये मेरे पास impulse exist कर रही है यहाँ पे तमाम functions null आ रहे हैं, ये impulse जहां exist कर रही है तमाम sync functions यहाँ पे भी एक null दे रहे हैं, इसी तरह इस impulse के केस में तमाम sync functions यहाँ पे भी null दे रहे हैं. तो मेरे पास इस तरह की एक शेप जो है वो आ जाएगी इन तमाम सिंक फंक्शंस की. तो अगर मैं इन तमाम सिंक फंक्शंस को ऐड करूं तो आई वुड सी कि ये जो ओवरलैपिंग एरिया है इट विल फिल अप दिस पार्ट, ये जो ओवरलैपिंग एरिया है दिस विल फिल अप दिस पार्ट. तो जब हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो मेरे पास ये ओरिजिनल मैसेज सिग्नल जो है ये रिकवर हो गया है बाय द ओवरलैपिंग सिंक फंक्शंस विच आर एग्जिस्टिंग एट ईच इम्पल्स लोकेशन. तो मेरे पास सैंपल्ड सिग्नल है ये वाले, दिस इज द सैंपल्ड सिग्नल, और ये रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल है जो कि इन सिंक फंक्शंस को ऐड करने से दोबारा जनरेट हो गया है विच इज द ओरिजिनल रिक्वायर्ड जी ऑफ टी. तो दिस इज हाउ इन टाइम डोमेन द सिग्नल इज रिकंस्ट्रक्टेड. इन फ्रीक्वेंसी डोमेन यू कैन इजिली थिंक ऑफ कि जो लो पास फिल्टर का जो रिस्पॉन्स है वो उन रेप्लिकाज ऑफ जी ऑफ एफ में से जी ऑफ एफ के स्पेक्ट्रा को रिकवर कर लेगा. So, g of t है, ये बेसिकली क्या है कि when you do the convolution of your signal, your sampled signal with your sync function, which can be represented like this, you will get your g of t back. यहाँ पे सिंपल क्या किया हुआ है, दिस इज द कन्वोल्यूशन स्टेटमेंट, यहाँ पे इंटीग्रेशन को समेशन से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि मेरे पास डिस्क्रीट सैंपल्स हैं, अगर मेरे पास कंटिन्यूस होते तो मैं इंटेग्रल से रिप्रेजेंट करता, ठीक है. तो यहाँ पे दिस इज कन्वोल्यूशन, और यहाँ पे h of t minus kts की जगह जो sync function था उस sync function के अंदर जो मेरे पास if you go back जो sync 2 pi bt है, sync 2 pi bt जो है की जगह put कर दें t minus kts तो you will get this expression over here. So by doing this convolution you will reconstruct the signal from the sampled signal. ठीक है, कल इंशाल्लाह हम इस एग्जाम्पल से शुरू करेंगे क्योंकि अभी we're short of time. इसके अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह स्पेक्ट्रास को देख के नाइक्विस्ट इंटरवल और सैम्पलिंग रेट जो है वो हम डिटर्मन कर सकते हैं इन डिफरेंट केसेस के जी, अगर दिस इज जी वन ऑफ टी, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन है तो इसका टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ये होगी, दिस इज फ्रीक्वेंसी डोमेन, इसका टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन जी टू ऑफ टी होगा. तो हम देखेंगे कि जी वन ऑफ टी के लिए नाइक्विस्ट इंटरवल और सैम्पलिंग इंटरवल क्या होगा, जी टू के लिए क्या होगा, इसका स्क्वेयर ले लें तो क्या होगा, अगर एम टाइम्स इसका ऑर्डर बढ़ा दें तो फिर क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग इंटरवल पे क्या फर्क होगा, वी विल टॉक अबाउट दैट इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह. एनी क्वेश्चंस? नो सर. चलें ठीक है इंशाल्लाह, आई विल सी यू गाइस टुमारो एट 9:30. अल्लाह हाफिज. I love this. I love this.